धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और आपके पास धन्यवाद करते हुए आते हैं, क्योंकि आपका प्रेम और आपकी महिमा अद्भुत है। प्रभु, हम सब लोग जो आप पर विश्वास करते हैं, प्रतिदिन हम विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप ही हमको विश्वास में आगे बढ़ाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन हमारे हृदय में जाता प्रभु, ये वचन फलवंत हो ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य बन सके और सारी महिमा आपको मिले। इसलिए प्रभु, आपकी शरण में प्रतिदिन उपस्थित होना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। जब हम आपके वचन में शामिल होते हैं तो हम आपकी उपस्थिति में का अनुभव प्राप्त करते हैं, आपकी सामर्थ का, आपके प्रेम का, और सबसे बढ़कर उस जीवन को प्राप्त करते हैं वचन के द्वारा, जो जीवन हमारे अंदर अनंत जीवन के लिए भेजा जाता है। इसलिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सबको देते हुए परमेश्वर की महिमा के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका दूसरा पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन ही बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये एक्ट नहीं है, ये प्रोसेस है। चलते रहो, करते रहो, बने रहो, हाँ, ये सब इसमें आपको कंटिन्यू रिमेन है, ये टोटल, ये रिमेनिंग वाला पार्ट है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 रोमन्स इंग्लिश में, इस चीज को हम लोग पकड़ेंगे। डू नॉट बी कंफर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, दिस एज, फैशन्ड आफ्टर एंड अडॉप्टेड टू इट्स एक्सटर्नल सुपरफिशियल कस्टम्स, बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड बाय द एंटायर रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, बाय इट्स न्यू आइडियल एंड इट्स न्यू एटीट्यूड, सो दैट यू मे प्रूव फॉर योरसेल्फ What is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. जैसा कि कल हम लोगों ने देखा के पुरानी मशक में नया दाखमधु नहीं डाल सकते। सिंपल सी चीज ये है कि हमारे पुराने मनुष्यत्व में नया जीवन हम प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जो जीवन शुरू होता है, बॉर्न अगेन से शुरू होता है, वो जीवन हमारा शुरू हो ही नहीं सकता जब तक कि हमारा हृदय पुराना है, ओल्ड हार्ट।
ये पुराना हृदय ही पुराना मनुष्यत्व है और इसमें हमारा वो स्वभाव है। और इसी बात को कलीसिया में कैसे लागू होना था, पौलुस ने कलीसिया को पत्री लिखकर इस पद में बहुत कुछ बताया है। ये एक ऐसा पद है जो नई सृष्टि कैसे बनना है उसका ये वर्णन कर रहा है। लेकिन ये इतना ये पढ़ने में तो बहुत आपको संक्षिप्त सा लगता है कि एक पद ही तो है, लेकिन इसमें इतना चीजें बताई गई हैं जिन्हें एक एक शब्द को हम अलग अलग अध्ययन करके देखेंगे तब ये बात स्पष्ट होगी कि ये काम कैसे होगा। आज हम इसमें एक वर्ड लेते हैं और वो वर्ड है डू नॉट बी कंफर्म टू दिस वर्ल्ड। आज हम वर्ल्ड लेंगे अकॉर्डिंग टू द बाइबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड, संसार का अर्थ क्या है बाइबल के अनुसार। देखिए एक जगह उसने कहा कि इस संसार के सदृश ना बनो, और एक जगह यीशु मसीह कहने लगा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और एक जगह कह रहा संसार से प्रेम ना करो, संसार में की वस्तुओं से प्रेम ना करो, जो संसार से प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं। तो ये संसार का अर्थ क्या है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, हम आज केवल ये छोटी सी एक चीज जो आपके लिए शायद बहुत छोटी सी हो लेकिन ये बहुत क्रिटिकल है, द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इसको हम देखेंगे। द टर्म्स वर्ल्ड एंड अर्थ हैव कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, यानी इन द अर्थ पृथ्वी और संसार, ये दोनों शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पृथक है, इनका अर्थ भी बिल्कुल अलग है, अलग अलग अर्थ है। हमारे प्रभु ने निश्चित रूप से दुनिया और पृथ्वी के बीच अंतर किया जब उन्होंने कहा मैंने दुनिया पर विजय पा ली। यमुना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद पढ़िए, यमुना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 33 पद यहाँ इस प्रकार से है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए नहीं की कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है बिल्कुल सत्य है जी, परंतु ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा मैंने पृथ्वी को जीत लिया, संसार को जीता पृथ्वी को नहीं जीता, पृथ्वी अभी वैसे ही है गॉडलेस कंडीशन में, लेकिन उसने संसार को जीता जी, हो गई ना पूरी, मैंने संसार को आई हैव ओवरकम। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा आई हैव ओवरकम द अर्थ, मैंने पृथ्वी को जीत लिया, उसने संसार को जीता। एक जगह लिखा उसने कहा कि परंतु वो अर्थात पवित्र आत्मा जब वो आएगा तो वो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो ये संसार का मतलब क्या है, वो संसार को, संसार परमेश्वर ने संसार से प्यार किया, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया, ये उसने क्लेम किया। When you see the term world in scripture, it very rarely refers to the earth. यानी rarely है कि वो पृथ्वी को represent करे, जब हम बाइबल में world word देखते हैं तो ये पृथ्वी को नहीं ये संसार को बताता है। The earth, ये अर्थ का मतलब बाइबल के अनुसार है लैंड, रीजन, टेरिटरी और कंट्री, और इज यूजुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीई। यानी ग्रीक में अगर हम पृथ्वी का अर्थ देखें तो जीई लिखा है, जीई ये है, लेकिन बट वर्ल्ड डज नॉट यूजुअली रेफर टू एनी फिजिकल लैंड, वर्ल्ड का अर्थ किसी फिजिकल लैंड से मतलब नहीं है, इट मोस्टली रेफर्स टू द अनगॉडली, यानी ये अभक्ति को दिखाता है, संसार दिखाता अभक्ति को, अधर्म को, इसका मतलब संसार अधर्म से भरा हुआ है। तो संसार मनुष्यों से भरा हुआ है और वो सारे मनुष्य अधर्मी है, इसलिए ये अनगॉडलीनेस को दिखाता है। दस इसलिए द मीनिंग ऑफ
एंशियंट वर्ड वर्ल्ड इज द ओल्ड मैन, यानी इसलिए ये मीनिंग जो है वर्ल्ड का मीनिंग, ये हम ग्रीक से आपको बता रहे हैं, ग्रीक से वर्ल्ड का मीनिंग है ओल्ड मैन, पुराना आदमी, एंड ओल्ड मीन्स ओल्ड। देखिए इसको इन्होंने कहां से ग्रीक से कहां ग्रीक में कैसे आया, द ओल्ड इंग्लिश वर्ड इज वी रोल्ड, वर्ल्ड का नहीं था पहले, ये वी रोल्ड था, डब्ल्यू ई आर ओ एल डी, वी रोल्ड मीन्स वी डब्ल्यू ई आर ई वर्ड मीन्स मैन, एंड ओल्ड मीन्स ओल्ड, इसका मतलब हो गया ओल्ड मैन। और ये इस तरीके से आज जो साधारण शब्द वर्ल्ड आया वो एंशियंट इंग्लिश वर्ड से किस प्रकार निकल के आया ये हमने देखा। When we are talking about God's kingdom, we are talking about the new life. जब हम परमेश्वर के राज्य के विषय में चर्चा करते हैं या उसके विषय में बातें करते हैं, इसका मतलब होता है नया जीवन, the new man, नया मनुष्य, those who are born again, जो आत्मिक तौर पर जिनका फिर से जन्म हो गया। And when we talking about the world, we are talking about the old life. जब हम संसार के विषय में या वर्ल्ड के विषय में बात करते हैं, इसका मतलब है पुराना जीवन, the old man, पुराना मनुष्य। Those who are not born again, वो जो नए सिरे से जिनका जन्म नहीं हुआ। The term world in the New Testament books is translated from three different Greek words. नए नियम की पुस्तकों में वर्ल्ड का जो ट्रांसलेशन है उसके तीन ग्रीक शब्द अलग अलग हैं, और वो तीन ग्रीक शब्द किस अर्थ को बताते हैं, उनका क्या अर्थ है उनका, ये हम देखेंगे। नंबर वन, 15 times फ्रॉम ग्रीक वर्ड oikoumen, यानी oikoumene, oikoumen, which refers to the first country, Roman Empire. ये पहले देश या रोमी साम्राज्य को दिखाता है, जो आपको बाइबल में मिलेगा नए नियम में, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद पढ़िए। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली सारे जगत के लोगों के नाम। यहां पर जगत जो वर्ल्ड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब पूरी दुनिया नहीं है, दिस मीन्स ऑल द रोमन वर्ल्ड, रोमी साम्राज्य को यहां पर जगत बोला गया, ये हमको ग्रीक से पता चलता है। और हम लोग हिंदी में इसको पढ़ते तो हम सोचते सारे जगत के लिए बोला जा, ना ये होल वर्ल्ड की बात नहीं है, ये रोमन वर्ल्ड की बात हो रही है कि रोमी साम्राज्य में सब जगह ये आज्ञा का प्रचार किया जाए। इसी के साथ लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 5 पद, चार अध्याय उसका 5 पद, शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में। अब देखिए यहां पर फिर जगत दिखा रहा है, शैतान यीशु मसीह को एक ऊंचे स्थान पर ले गया, एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पल भर में उसने जगत, यहां पे जो जगत वर्ड आ रहा है ये रोमन एम्पायर है, उसने रोमी साम्राज्य को दिखाया और उससे कहा कि तू मुझे झुककर दंडवत कर तो ये मैं तुझे दे दूंगा। तो ये रोमी साम्राज्य को दिखाया था, नॉट ऑल द वर्ल्ड, यूनिवर्स को नहीं दिखाया, ये रोमी साम्राज्य को, यहाँ पे वर्ल्ड का मतलब रोमन साम्राज्य से है। इसी के साथ लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 26 पद देखिए, 21 अध्याय का 26 पद यहाँ इस प्रकार है, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि
आकाश की शक्तियां। हाँ, अब यहाँ पर भी जो वर्ल्ड का मतलब है, अगर आप ग्रीक में जाके देखें तो ये रोमन वर्ल्ड से है, रोमी साम्राज्य से है। ये रोमी साम्राज्य में ऐसा होगा, ये यानी अपकमिंग इवेंट के लिए बताया जा रहा, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के समय होगा ये, इसलिए ये, और ये रोमन साम्राज्य में होगा, और नॉट ऑल द वर्ल्ड। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में 128 बार, 128 टाइम फ्रॉम ग्रीक वर्ड एओन, AION, ये वर्ल्ड की जगह या संसार की जगह या जगत की जगह एओन है, AION ग्रीक में, विच मींस एन एज, इसका मतलब है युग, ये युग की बात कर रहा है। और एक ही सब, देखिए कैसे लोग कहते हैं कि फलाने का युग खत्म, सरकारें होती कहते हैं ये उनके सरकार, उनका युग खत्म हो गया, अब ये इनकी सरकार यानी इनका युग है। इसमें नाम का इस्तेमाल होता है, पार्टी के नाम का इस्तेमाल होता है, और कहते हैं ये इनका युग चल रहा है, ये युग है, एज। यहाँ पे संसार का मतलब एज से है। मत्ती रचित सुषमाचार उसका 12 अध्याय निकालिए, मत्ती रचित सुषमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 32 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती रचित, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में, परलोक मतलब आने वाले, अब यहां पे मालूम है लोक परलोक का मतलब क्या है, ना तो इस युग में और ना आने वाले युग, अब द कमिंग एज एंड द प्रेजेंट एज। अब हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, 21वीं सदी में पहुंचने वाले हैं, हम 20वीं सदी से 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, द एज इज गोइंग टू बी चेंज, हम युगांतर में हैं, युग का परिवर्तन हो रहा है, वी आर इन द ट्रांजिशन पोजिशन, ये रिफॉर्म्स का टाइम है। और बाइबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज एक्यूरेटली रन, बिल्कुल सही चल रहा है, सब एक्यूरेट चल रहा है, ऑन गॉड्स प्रोफेटिक टाइमिंग, परमेश्वर की और प्रोफेटिक टाइमिंग के अकॉर्डिंग, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ गॉड, बिल्कुल सही चल रहा है। और ये हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है थ्रू द स्टडी। अब तीसरा आता है 187 बार, 187 टाइम फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम थ्री कॉस्मस, AOSMOS, कॉस्मस, विच रेफर्स टू द अनगॉडली मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादा अधिकतर के अनगॉडली को रिप्रेजेंट करता है, यानी अधर्म को रिप्रेजेंट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू द बाइबल। पहला यूहन्ना दो अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़िए, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से या परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, संसार भी मिटता जाता है और अभिलाषाएं भी मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, ये इटर्नल लाइफ ये है। अब ओकेजनली यानी कहीं कहीं पर ओकेजनली इट कैन रेफर टू द
मटेरियल यूनिवर्स, कहीं कहीं पर यानी कहीं कहीं पर इस बात का भी वर्णन किया गया बाइबल में, वर्ल्ड का मतलब मटेरियल यूनिवर्स और द अर्थ, और कहीं कहीं पर पृथ्वी को भी संसार वर्ल्ड बोला गया, जैसे कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 24 पद, प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 24 पद जी 17 अध्याय, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखिए यहां पर वर्ल्ड को कैसे दिखाया गया, पृथ्वी के रूप में भी दिखाया गया और सब वस्तुएं जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको दिखाया गया, ये वर्ल्ड है। एंड द सम टाइम्स इट रेफर्स टू ऑल मैन, और कई जय बार इसको पृथ्वी के सब मनुष्यों के रूप में वर्ल्ड बोला गया, वर्ल्ड का मतलब सारे इंसान पृथ्वी पर के, ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 पद यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, इसका मतलब परमेश्वर ने पृथ्वी से नहीं, परमेश्वर ने संसार की संसारिकता से नहीं, यहां हां अनगॉडलीनेस से नहीं, मनुष्यों से जो संसार में है इनसे प्रेम रखा, कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि संसार के मनुष्यों में से जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए या नई सृष्टि बन जाए, ये पुरानी सृष्टि से वो नई सृष्टि का हो जाए। ये गुड न्यूज था, ये गॉस्पल था, ये मैसेज है। एक्चुअल में बाइबल को सब लोग ज्यादातर हिंदी बेल्ट में हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ हिंदी हिंदी, हम लोग केवल हिंदी बाइबल पढ़ रहे हैं, और हिंदी में आपको जैसे पहले भी हमने देखा ढेरों वर्ड्स अब तक हो गए हैं, जैसे बिलीव एंड फेथ, इस तरीके के ढेर सारे शब्द हम लोगों ने कंपेयर करके देखे कि हर शब्द का बाइबल में हर संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द वर्ल्ड स्टडी, अबाउट द वर्ल्ड, ये हम लोगों ने एक बड़ी ब्रीफ स्टडी अबाउट द वर्ल्ड इसलिए की है क्योंकि पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, इंग्लिश में कह रहा है डू नॉट कंफर्म टू द वर्ल्ड, इस संसार के सदृश ना बनो। इस संसार के सदृश क्यों ना बने, क्योंकि संसार में क्या है मालूम है, संसार में अभिलाषाएं पैदा होती हैं और पूरी हो ना हो समय के साथ मिट भी जाती है। इसलिए आप देखेंगे कई बार आपकी बहुत सी अभिलाषाएं जीवन में आई लेकिन पूरी नहीं भी हुई और वो मिट भी गया, इच्छा खत्म भी हो गई, और इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सी चीजें आपको तुरंत चलेगा ये चीज चाहिए लेकिन अगर नहीं मिली तो उसका समय पूरा, आप उस थोड़े समय बाद आपको इच्छा खत्म हो जाएगी। ये है संसार, लेकिन परमेश्वर के साथ हम ऐसे नहीं कर सकते कि आज विश्वास किया और कल हम संसारिकता में चले गए, भूल गए कि हम कौन है। इसलिए पौलुस कह रहा है डू नॉट कंफर्म टू दिस वर्ल्ड, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, ये अपने आप में एक कठिन बात है, और इस कठिन बात को हम और आप कैसे समझेंगे कि संसार के, हम तो रहते तो संसार में, हम संसार के सदृश यानी हम संसार में रहें और संसार के होके ना रहें, ये कठिन चीज है, कितने लोग मानते हैं कि ये कठिन है, लेकिन करना यही है, यही सिद्धि है। देखिए जो कठिन, वो कठिन क्यों बताया गया मालूम है, हमको कठिन काम क्यों बोला जा रहा है, ये हमको करने को कुछ नहीं, हमें इच्छा अपनी ये रखेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो सब कुछ करेगा। वो एक छोटा बच्चा अपने पापा से क्या एक्सपेक्ट करता है, जब वो तकलीफ में हो तो उसके पापा सहायता, हाँ
तो वो अपने पिता से ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास मुसीबत होगी तो मेरा पिता इस मुसीबत से हमें निकालेगा। तो वैसे ही परमेश्वर इस संसार से हमें निकालने के लिए एक तरीका बता रहा है। पहला पद, अब आप मेरे साथ वो निकालिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 एंड। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किसको भावता हुआ? अब ये भावता हुआ का मतलब क्या है? जो परमेश्वर को भाए, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। अब आपको ये, हमको ये नहीं समझ में आता कि हर व्यक्ति के विचार अलग हैं, उनकी उसकी भावनाएं अलग हैं, उसकी सोच अलग है। तो परमेश्वर को भावता हुआ जो बलिदान करके चढ़ाना है, तो सबका अलग अलग ओपिनियन होगा इस विषय में। कोई सोचेगा ऐसे चढ़ा दो, कोई सोचेगा ऐसे चढ़ा दो। तो ये तो सही नहीं है कि सब अपने अपने तरीके से परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब यह हुआ कि सब लोगों को एक ही तरीका अपनाना होगा, जो कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए सबके लिए एक कॉमन रूल होगा, और बिना कॉमन रूल के ये काम कभी परमेश्वर की ओर से माना ही नहीं जाएगा। अब आप इस नजरिए से देखें तो कलीसिया में हम सबको कलेक्टिवली ये काम करना है, इंडिविजुअली ये काम नहीं होना है। और ये कलेक्टिवली ऐसा करेंगे तो उसके बाद दूसरे पद में क्या लिखा है, सेकंड वर्स, इस संसार के सदृश ना बनो। अब यहां पे देखिए, जो संसार वर्ड है, दुनिया, मनुष्यों के बारे में और संसार के बारे में बाइबल बहुत कुछ कहती है। जैसा अभी हमने अध्ययन किया, दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती, जैसा कि यूहन्ना रचित, पढ़िएगा नहीं, ये नोट कर लीजिएगा, यूहन्ना 1 अध्याय के 10 पद में, दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती, लोग आत्मिक अंधेरे को पसंद करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 19 पद, ये आप अपना पढ़िएगा। मसीह और उनके मानने वालों से नफरत करती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय 7 पद, 15 अध्याय 19 पद। इसका शासक और ईश्वर शैतान है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 पद, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद। परमेश्वर के आत्मा को हासिल नहीं कर सकती, संसार के लोग, सांसारिक लोग परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 17 पद। इसका ज्ञान बेवकूफी है, पहला यूहन्ना यानी संसार का, मसीह का ज्ञान संसार में मूर्खता है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 20 पद, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 19 पद। ये अस्थाई है, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 31 पद, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 18 पद। बिना ईश्वर और बिना आशा के है ये संसार, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 12 पद। इसके साथ दोस्ती परमेश्वर से दुश्मनी है, याकूब की पत्री 4 अध्याय का 4 पद। ये भ्रष्ट है, क्या संसार, पहला पत्रस 1 अध्याय 4 पद। ये घमंड और अभिलाषा से भरा हुआ है, क्या संसार, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17। ये दुष्टता में है, क्या संसार दुष्टता में है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 पद। आश्चर्य नहीं कि पॉल लोगों को कहता है कि इसके समान ना बने। दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो लोगों को ढालती हैं और दुष्टता की प्रेरणा देती हैं। विश्वासियों को मसीह के समान बनना चाहिए, ये परमेश्वर के आत्मा का भीतरी काम है, ये मन के नए बनते जाने से है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 और 23 पद। हमारे विचार बहुत मायने रखते हैं, हमारे बर्ताव को वे संचालित करते हैं। एक बदला हुआ जीवन जीने के लिए हमारे विचार अधीन होना और मन परमेश्वर के सत्य से भरा होना जरूरी है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 और 6 पद,
और दूसरा कुरिन्थियों 10:5 कुलस्सियों 3:16। हम परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं, इतना धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें वो चीजें भी जो आज तक नहीं समझ में आई वो भी अब हमको समझ में आ रही है, और वो अज्ञानता के बादल हमारे हृदय में से, हमारे बुद्धि में से छट रहे हैं और हमें सत्य का प्रकाश प्राप्त होता जा रहा है। क्या ये अपने आप में पाप से, पाप की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है? और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज स्वतंत्रता दिवस के दिन। मेरी ये दिल से इच्छा है और प्रार्थना है कि जितने लोग परमेश्वर के वचन में लगातार हमारे साथ अध्ययन में लगे हुए हैं, उनके हृदय में से, उनके जीवन में से पाप की गुलामी का बल टूटता जाए और सत्य का प्रकाश उनके जीवन में चमके और सत्य के द्वारा वे छुड़ाए जाएं, सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं, ताकि हर एक जिंदगी परमेश्वर के लिए समर्पित हो और उसी की योग्य हो और उसी की महिमा का कारण हो। सारी महिमा हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो वचन आपने जिस कार्य के लिए भेजा है, जब वो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाता है, वो वचन जाकर अपना कार्य पूर्ण करता है ताकि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे, ताकि इस बात को साबित करे कि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होता और परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। और चाहते प्रभु हर एक जिंदगी में परमेश्वर के वचन का प्रभाव प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीर्वाद।